ओम शांति अभ्यक्त बाप दादा मधुवन नौ सात दो हजार तेईस रिवाइज डेट छब्बीस दो उन्नीस सौ पचानवे संगम युग उत्सव का युग है उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्त शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड चुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं इसे विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल बनाने तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल है सबको सामने देख रहे हैं आज की मुरली से मुख्य दस पॉइंट पहली पॉइंट बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है दूसरी पॉइंट सबके दिल की मुबारक के इसने भरे गीत कहो बोल कहो बाप से समीप से सुन रहे हैं दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है तीसरी पॉइंट, उत्सव का अर्थ है ही सर्व उत्साह उमंग में रहे तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्साह का युग कहते हैं चौथी पॉइंट हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है हर दिन उत्सव है जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता पाँचवी पॉइंट सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है मेरा बाबा सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा हाँ एक ही है और अनेकता में एकता है ना छठवी पॉइंट बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और कहते हैं क्यों क्यों अगर कोई भी परिस्थिति में हुआ शब्द आ जाता तो उमंग उत्साह का पैसा कम हो जाता है सातवीं भी आपकी दासी होगी तो दासियां भी बहुत होंगे। फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं अभी अपना राज स्थापन हो रहा है इस समय गुप्त वेश में हो सेवाधारी हो फिर राज अधिकारी बनेंगे आठवीं पॉइंट दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होंगी होनी भी है सिर्फ अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी नवी पॉइंट राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना साधन सब अनुभव कराया और आगे चलकर बेकरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया दसवीं पॉइंट साधन और साधना दोनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है अच्छा वरदान है आज का संपूर्णता द्वारा सम्पन्न संपूर्णता द्वारा सम्पन्नता की प्राप्त का अनुभव करने वाले सर झमेले से मुक्त भव संगमयुप्पा सागर गंगा से अलग नहीं गंगा सागर से अलग नहीं इसी समय नदी और सागर के सामने का मेला होता है जो इस मेले में रहते हैं वे सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो सामान बनते हैं सामान बनना अर्थात समान जाना जो सदा हिस्ने में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और सम्पन्नता के प्राप्त का अनुभव करते हैं उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्राप्त की इच्छा नहीं रहती स्लोगन है आज का सदा एक बाग के सर्वश्रेष्ठ संग में रहो तो होली एस्ट और हाई एस्ट बन जाएंगे ओम तो शांति